Hello everyone, this is Ashijan. This is another chapter of income tax, that is agricultural income. देखिए वैसे तो ये चैप्टर काफ़ी ईजी है बट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है। चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर इनकम। एंड देखिए हमने कितनी बार हमने ये लाइव क्लास में हमने डिस्कस किया है कि एग्रीकल्चर इनकम जो है ऑलमोस्ट जो है एग्जेम्प्ट होती है, बट हमें ब्रीफली डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या सारी इनकम एग्जेम्प्ट होती है या कुछ पार्ट होता है। ठीक है, प्लस हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपको पता है दैट दिस एग्रीकल्चर इनकम इज बेसिकली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, और इस सेक्शन 10(1) में भी देखिए क्या लिखा हुआ है, एग्रीकल्चरल इनकम अर्नड इन इंडिया एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आई रिपीट, देखिए हमें इस चैप्टर की एक एक लैंग्वेज को बहुत ध्यान से समझना है। आई रिपीट, एग्रीकल्चरल इनकम अर्नड इन इंडिया एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एग्रीकल्चर इनकम अर्नड इन इंडिया, यहाँ पर इंडिया से मतलब क्या है? क्या अगर मैं बोलूँ कि एग्रीकल्चर इनकम क्या रूरल में एग्जेम्प्ट है या अर्बन में एग्जेम्प्ट है? सर आपने इंडिया लिखा है तो विच मीन्स इंडिया में यहाँ पे चाहे रूरल हो या फिर अर्बन हो, दोनों तरह की इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एग्रीकल्चरल इनकम अर्नड इन इंडिया चाहे वो रूरल में हो चाहे वो अर्बन में हो। अच्छा, इंडिया से मतलब मीन्स अगर मान लीजिए आपकी कोई कोई भी एग्रीकल्चर इनकम मान लीजिए नेबरिंग कंट्री से आ रही है, सपोज श्रीलंका से आ रही है, भूटान से आ रही है, बांग्लादेश से आ रही है, नेपाल से आ रही है, दे आर आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इन इंडिया मीन्स विद इन इंडिया। ठीक है, दैट मीन्स जो ज़मीन है, ठीक है, जिस ज़मीन से कल्टीवेशन हो रहा है, जो ज़मीन जो है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है, या उससे उस ज़मीन से होने वाली इनकम या फिर कल्टीवेशन से होने वाली इनकम, जो भी इनकम बोल रहे हैं यहाँ पर, दैट इज एग्रीकल्चर इनकम जिसकी ज़मीन जो है इंडिया में सिचुएटेड है, कहाँ पे, चाहे वो रूरल में हो चाहे वो अर्बन में हो। ठीक है, वो जो है वो इनकम जो है वो टैक्स एग्जम्प्ट है। ठीक है, अच्छा एक बार वो फिर से पढ़ते हैं, एग्रीकल्चरल इनकम अर्नड इन इंडिया एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब मैंने आपसे दोबारा क्यों पढ़वाया, क्योंकि अब मुझे आपको आपसे ये पूछना है यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम है क्या, कौन सी एग्रीकल्चर इनकम? सर ये तो आप क्या आप कैसी बात पूछ रहे हो, तो बहुत इजी है। एग्रीकल्चर मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे पास ज़मीन है, हाँ जी ठीक है, और मान लीजिए हम उस पर कुछ भी मतलब ग्रो कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ भी कर रहे हैं, मान लीजिए एप्पल का है, ऑरेंज का है, बनाना का है, कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, और हमने जो है फल फ्रूट उगाए, फल फ्रूट को से हमने बेच दिया, तो वह एग्रीकल्चर इनकम बेसिकली। तो आप कौन सी इनकम बोलना चाह रहे हो, बेसिकली यहाँ पर आप कौन सी इनकम बोलना चाह रहे हो, दैट मीन्स रेवेन्यू नेचर। भाई आपने आपके पास कोई ज़मीन है, ठीक है, आपने उस पर प्लांट जो है उगाए, ठीक है, उससे बड़े ट्री हुए, फिर उसके बाद आपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स सब कुछ आपने उगाया, एंड देन यू आर गोइंग टू सेल ऑफ ऑल दिस। ठीक है, तो ये आपकी कौन से नेचर को, दैट इज रेवेन्यू नेचर, यही बोलना चाह रहे हो। ठीक है, अब आपको हम अच्छे से बताएंगे यहाँ पर कि एग्रीकल्चर इनकम है क्या। देखिए यहाँ पर आप समझ गए कि एग्रीकल्चर जो इनकम, कौन सी इनकम रेवेन्यू नेचर की हो और कहाँ पर हो, इंडिया में हो, और इंडिया में कहाँ पर, कहीं पर भी, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो, वो टैक्स से एग्जम्प्ट है। ठीक है, अब देखिए मैंने अब दो पॉइंट लिखे हैं, रेवेन्यू नेचर आपको हमें ऊपर पढ़ लिया कि ये जो है एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(1). सेक्शन 10(1) ही पढ़ा अभी हमने, 10(1) में लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इनकम अर्न इंडिया एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, बट अबाउट कैपिटल नेचर, देखिए कैपिटल नेचर का मतलब क्या है, पहले आपको ना विजुलाइज करना पड़ेगा यहाँ पर कैपिटल नेचर का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक आप ज़मीन है, आप उस ज़मीन को जो है खेती बाड़ी के लिए यूज़ करते हो, ठीक है, और मान लीजिए आपने कोई ज़मीन जो है 20 लाख की खरीदी थी। ठीक है, मान लीजिए किसी साल आपने दो भाई 20 लाख की ज़मीन खरीदी थी, और मान लीजिए आपने उसको बाद में जो है 25 लाख में बेच दिया, तो 5 लाख आपका मुनाफा हुआ।
ठीक है, तो उसी को तो बोलते हैं। अब हम उसकी बात कर रहे हैं, क्या उस पर जो 5 लाख पे जो आपको गेन हुआ, गेन क्यों? क्योंकि वो आपको तो कभी कभार ही होता है भाई, कैपिटल तो आपको रोज होता होता है, आपको कोई बिजनेस तो है नहीं, ठीक है, तो वो कैपिटल नेचर हुआ। तो क्या कैपिटल नेचर पे क्या जो भी इनकम आएगी क्या वो टैक्सेबल होगी, ये बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए देखिए मैं थोड़ा सा आपको थोड़ी देर के लिए कहीं और लेके जा रहा हूँ, अब ध्यान से समझिए। मैं क्या समझा रहा हूँ सर, जैसे मान लीजिए कोई एसेट है, अगर उसको सोल्ड कर देते हैं तो उस पर क्या लगता है, कैपिटल गेन, यही तो है जी? नहीं, एसेट नहीं होता सर, कैपिटल एसेट होता है ना, कैपिटल एसेट नहीं होता, सॉरी एसेट नहीं होता, कैपिटल एसेट होता है। अगर उसको बेच के कोई भी इनकम अराइज होगी उसको बोलते हैं कैपिटल गेन, ठीक है। अच्छा, ये हमने कंसेप्ट कहाँ पढ़ा था, कैपिटल गेन चैप्टर में, आई मीन टू से कौन से सेक्शन में पढ़ा था सर? हमने ये पढ़ा था सेक्शन 214 में पढ़ा था कि भी अगर कि कैपिटल गेन यानी कि कैपिटल एसेट किसको उसको बोलते हैं, ठीक है, वो हमने सेक्शन 214 में पढ़ा था। अच्छा, 214 में क्या आपने एग्रीकल्चर इनकम कोई पॉइंट पढ़ा था सर? हाँ, वहाँ पर लिखा हुआ था कि एग्रीकल्चर इनकम जो है कैपिटल नेचर की, अगर रूरल में एरिया में है, ठीक है, तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। आपने 214 में क्या पढ़ा था, 214 में आपने कहाँ पढ़ा था? अगर आपने कैपिटल चैप्टर अपने कैपिटल अपने अच्छे से पढ़ा हुआ है और आपको याद है, तो वहाँ पर हमने अच्छे से पढ़ा था कि कोई भी कैपिटल नेचर से इनकम, कोई भी इनकम अराइज हो रही है, कौन से जमीन से आ रही है, बाय सेलिंग ऑफ लैंड, विच लैंड, एग्रीकल्चर लैंड। अच्छा, वो कहाँ पे होनी चाहिए, रूरल एरिया में होनी चाहिए, तो वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। आई रिपीट, सेक्शन 214 में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी असेसी, अगर कोई भी असेसी अगर एग्रीकल्चर लैंड विच इज सिचुएटेड इन रूरल इंडिया, ठीक है, बाय सेलिंग ऑफ दैट लैंड एंड एनी इनकम अराइज फ्रॉम सच सच लैंड, दैट विल नॉट बी काउंट अंडर कैपिटल एसेट। ये कहाँ पर बोला हुआ है, 214 में बोला गया है। अब जरा ध्यान समझिए, जो एसेट कैपिटल एसेट ही नहीं है तो वो क्या है, उसको दैट वहां पर क्या बोला हुआ है कि वो तो नॉट ट्रीटेड एज इनकम लिखा हुआ है, नॉट ट्रीटेड एज इनकम, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, यानी कि अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरिया में है, उससे होने वाले जो इनकम है उसको इनकम ही नहीं माना गया। देखिए, हमने अच्छे से पढ़ा है, देर आर बेसिकली 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीवीपी एंड अदर सोर्सेस, सबको हम ऐड करते हैं। और हमने उन सब में, उन सभी चैप्टर में हमने स्पेशल हमने एग्जेम्पशन पढ़ी है, जैसे सैलरी में हमने सेक्शन 16 पढ़ा, हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24 पढ़ा, ठीक है, पीजीपी में हमने 32-37 पढ़ा, देन कैपिटल गेन में हमने 34 पढ़ा, ठीक है, देन हमने अदर सोर्सेज में हमने पढ़ा 57, ठीक है, स्पेशल डिडक्शन पढ़ी, उसके बाद हमने इन सब में एग्जेम्पशन भी पढ़ी, ठीक है। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन। डिडक्शन क्या होता है बेसिकली, कि आपकी पहले उसको इनकम माना गया और फिर गवर्नमेंट जो है आपको एडिशनल जो है डिडक्शन दे रही, ठीक है, तो फिर और एग्जम्पशन क्या मतलब होता है कि मतलब उसको इनकम नहीं माना गया, तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है कि उसको इनकम ही नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया, कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो जो कैपिटल एसेट ही नहीं है उसको इनकम मान ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या सुनना चाह रहा हूँ, यहाँ देखिए, यानी कि अगर आपने कोई भी असेसी अगर एग्रीकल्चर लैंड बेच रहे हो, उससे कोई भी गेन होता है तो उस पर तो इनकम ही नहीं है, उनको उसके में इनकम ही माना गया, ठीक है। तो देखिए, कैपिटल दो दो तरह की होती है, फर्स्ट वन इज सिचुएटेड इन रूरल एरिया, तो क्या होगा, देखिए इसमें कंसेप्ट क्या होगा, क्या लिखेंगे इसमें, बाय वर्च्यू ऑफ टू फोर्टीन
नॉट ट्रीटेड एज इनकम, उसको इनकम ही नहीं माना गया। तो एग्जेम्पशन डिडक्शन की तो बाद में बात करेंगे, उसको तो इनकम ही नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? कैपिटल एसेट ही नहीं है तो इनकम कहाँ से होगी? ठीक है, चलिए। तो ये तो क्लियर होगा कि अगर कोई भी अगर एग्रीकल्चर लैंड है और वो रूरल एरिया में, उसको बेच अगर कोई भी प्रॉफिट या गेन होता है तो उस पर तो इनकम ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अर्बन एरिया की। देखिए इसके पीछे थोड़ा आपको पहले लॉजिक समझना पड़ेगा कि मैं क्या समझता रहा हूँ सिचुएटेड इन अर्बन एरिया। जैसे देखिए पहले क्या करते हैं गवर्नमेंट को, जैसे अगर कोई भी पर्टिकुलर सिटी या पर्टिकुलर स्टेट डेवलप करना होता है, ठीक है, तो क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है कि काफ़ी सारी ज़मीन को एक्वायर कर लेती है, या फिर जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट क्या करती है उस पर्टिकुलर एरिया को सेज डिक्लेयर करती है, मतलब सेज का मतलब यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर देती है। तो वहाँ पर क्या करती है सरकार, क्या करती थी कि जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज गुरुग्राम का। देखिए वैसे तो आज का नाम पहले क्या होता था, उसको क्या होता गुड़गांव होता था, लेकिन गुड़गांव आज के टाइम में गुड़गांव नहीं है, काफ़ी बहुत बढ़िया मतलब जिसको जो है डेवलप एरिया बन चुका है वो। बट अगर आप आज से 15 साल पहले देखोगे तो वहाँ पर किसानों की काफ़ी अच्छी मतलब खेती बाड़ी ज़मीन होती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, उस एरिया को डेवलप करने के लिए पहले उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया को डेवलप मतलब डिक्लेयर किया, ठीक है, उसके बाद किसानों की ज़मीन को जो है एक्वायर कर लिया। एक्वायर करने के बाद गवर्नमेंट ने उस पर जो है किसानों को करोड़ों जो है कंपनसेशन जो फिक्स कर दिया। अब जब किसानों के हाथ में आया तो किसान सोच रहे कि भी पहले तो हमारे हमने अपनी ज़मीन दी गवर्नमेंट को, और अब कैपिटल जो हमें जो मिला है दैट इज़ कंपनसेशन मिला है तो वो कम मिला। ऊपर से सरकार ने बोल दिया कि भी सिचुएशन जो होगी अर्बन एरिया में क्योंकि शहर में, क्योंकि पहले तो सिर्फ रूरल एरिया का लिख दिया कि वो तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन जो शहर में है उसका मतलब वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो सरकार ने बोला कि भी सॉरी किसानों ने बोला कि भाई हमारी ज़मीन जो है वो तो शहर में है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि हमने कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ना पड़ा था कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया की डेफिनेशन क्या है, हमने अच्छे से पढ़ा था वो 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो अगर वो ना याद हो तो आप वो जो है मेरी वो वीडियो अच्छे से देख लेना, वहाँ मैंने अच्छे से एक्सप्रेशन दी हुई है। तो यहाँ पर जब अर्बन एरिया की बात हुई तब किसान सोच रहे कि भी सरकार से अभी रिक्वेस्ट की कि भी आप जो है हमारा कंपनसेशन बढ़ा दो। सरकार ने कहा नहीं, कह रहे नहीं बढ़ाओगे तो भी हमारी ज़मीन वापस दे दो। सरकारी ज़मीन तो वापस दे नहीं सकते क्योंकि हमें तो देखिए हमें वो एरिया डेवलप करना है, हमें तो वही नेशनल हाईवेज वगैरह काफ़ी बनाने हैं, हमें इस एरिया को डेवलप करना है। तो किसानों का अच्छा ठीक है चलो टैक्स ही कम कर दो। तो इस पर बहुत ज़्यादा मतलब मीटिंग्स वगैरह हुई तब जाके जो है गवर्नमेंट ने एक फाइनल डिसीजन लिया कि अगर कोई भी अगर एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर ज़मीन, एग्रीकल्चर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, और अगर उसको गवर्नमेंट ने कंपल्सरी रिकवर कर लिया तो वो उस पर होने वाले जो गेन है वो पूरी तरह जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो सीधी सीधी सरल भाषा में अगर बच्चे की लैंग्वेज में तो क्या बोलोगे, देखो आप कि अगर कोई भी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया, ठीक है, और उस कंपलसरी एक्विजिशन होने वाले से अगर कोई भी कैपिटल गेन अराइज होता है तो उस कैपिटल गेन पे जो वो कैपिटल गेन पूरी तरह एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट का लिखा है इफ एग्रीकल्चर इज ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट सच इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1037। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसका मतलब क्या हुआ, इफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इज ट्रांसफर्ड अंडर नॉर्मल केसेस देन सच कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल। ठीक है, तो देखिए हमने क्या पढ़ा है, पहले हमने पढ़ा एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडिया में है, इंडिया में कहाँ पर चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो, ठीक है, और उस पर जो रेवेन्यू नेचर की जो इनकम है वो तो पूरी तरह एग्जेम्प्ट है। ठीक है, लेकिन अगर कोई कैपिटल नेचर की इनकम है तो अगर वो रूरल में है तो कैपिटल सिटी नहीं है, लेकिन अगर अर्बन में है, ठीक है, और अगर उसको गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर किया हुआ है, ठीक है, तो वो तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर नॉर्मल केस में है अगर बेच दिया, ठीक है, तो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अब ये मैं समझना कि चैप्टर फिनिश हो गया, क्योंकि आप सोचोगे सर अब तो कुछ बचा ही नहीं, सर रेवेन्यू नेचर भी हो गया कैपिटल नेचर भी हो गया, हमने सब पढ़ लिया, क्या टैक्सेबल है क्या एग्जेम्प्ट है।
अब जरा एक बार और आप ऊपर लैंग्वेज में अच्छे से आओ। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? एग्रीकल्चर इनकम। हाँ जी, अभी ये तो बता दो एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है सर। मतलब अभी तो बताया हमने, क्या बताया हमने सर? वही मतलब वहाँ पर ज़मीन है, हम उस पर कल्टिवेशन कर रहे हैं, उस पर कोई कुछ भी ग्रो कर रहे हैं, उसको सेल करके जो भी हमारा इनकम आएगी उसको एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं। हाँ ठीक, लेकिन अभी इसको आप फील कराओ। फील इन द सेंस, जब तक आप उसको अंदर तक नहीं घुसोगे ना तब तक आप समझा नहीं सकते कि एग्रीकल्चर इनकम होता क्या है। ठीक है, देखिए सरकार ने एग्रीकल्चर इनकम को तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जैसा मान लीजिए मेरी एक ज़मीन है और मैं उसमें पौधे उगाता हूँ। ठीक है, और उसमें देखिए फल, सब्जियाँ, फूल। अच्छा, फूल अगर बेचोगे क्या वो एग्रीकल्चर इनकम होगी सर? हाँ, क्यों नहीं होगी। अच्छा, मान लीजिए मेरे पास एक ज़मीन है और मतलब मान लीजिए ऑरेंज के मेरे पास, मैं उस पर कल्टीवेशन करता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। जैसे आप पता है मैं पढ़ाता हूँ आप सबको, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ज़मीन है। तो मैंने एक भाई रख रखाव के लिए मैंने एक मेंटेनर रख लिया हूँ। तो मैंने क्या करा उसको, एक पर्टिकुलर एरिया का मैंने क्या करा उसको, एक एक पेड़ है या दो तीन पेड़ समझ लो, मैंने उसको किराए पे दे दिया। ठीक है, तो वो क्या करेगा? मान लीजिए मैंने एक सीज़न के लिए मैंने उसको पांच पेड़ दे दिए, मैंने कि भी ये पांच, ये एक सीज़न के लिए पांच पेड़ जो तेरे हुए, तो मतलब क्या करेगा वो उस सीज़न में, उस सीज़न में जितने भी उसके ऑरेंजेस ग्रो करेगा वो उस पर मेंटेनेंस करेगा, पानी डालेगा, खाद डालेगा, ग्रो करेगा, और फिर जैसे और सीज़न में जो भी कमाएगा उस ऑरेंजेस को बेच के उसकी इनकम। लेकिन अभी उसकी इनकम छोड़ा, आप मेरी इनकम से छोड़, मैंने वो पेड़ उसको रेंट पे दिया, तो रेंट पे क्या होने वाले इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम होगी? जी हाँ होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो पेड़ है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है? एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, इसलिए वो एग्रीकल्चर इनकम माना गया। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कोई भी इनकम आ रही है क्या वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, सो देखिए इसको इन डिटेल आप अच्छे से समझना है कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, जिसको इनकम टैक्स ने डिफाइन किया हुआ है अंडर सेक्शन 10(2)(1)(a) में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड थ्रू एग्रीकल्चरल। साफ साफ ये बात है, अगर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड से अगर इनकम आ रही है ठीक है, थ्रू एग्रीकल्चरल, खेती बाड़ी कर रहे हो, और कैसे? परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बाय कल्टीवेटर। ठीक है, यानी कि हम जो है नॉर्मली बेसिक ऑपरेशन कर रहे हैं लाइक हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग। ठीक है, तो उससे भी अगर कोई इनकम अराइज हो रही है तो वो उसको क्या बोलेंगे हम? एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, आप पूछोगे सर एग्जम्प्ट, ये क्या एग्जम्प्ट है? जी हाँ एग्जम्प्ट होता है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? रेवेन्यू नेचर पढ़ रहे हैं, कैपिटल नेचर तो है नहीं है, रेवेन्यू नेचर है। ठीक है ना, तो ये भी एग्जम्प्ट है। तो अगर कोई भी अगर एग्रीकल्चर लैंड से अगर कोई भी इनकम अराइज हो रही है और वो ज़मीन जो है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए जो रही हो, या फिर उस ज़मीन से हम जो है बेसिक ऑपरेशन कर रहे हैं लाइक हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग वगैरह जो भी है, ठीक है, उससे होने वाली इनकम जो है वो उसको क्या बोलेंगे हम? रेवेन्यू नेचर की बोलेंगे, और वो एग्जम्प्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, रेंट इन कैश और काइंड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड विच इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मेरे पास पांच पेड़ थे, मैंने पांच पेड़ को जो किराए पे दे दिया, तो उससे होने वाली इनकम जो है वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए हो रही है, तो वो एग्जाम्प्ट है। अच्छा, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है इन काइंड। इन काइंड का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि उस पर जो ऑरेंजेस जो है वो ग्रो होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं उसने क्या करा, मुझे रेंट, मान लीजिए हाफ उसने रेंट दिया और हाफ उसने मुझे ऑरेंजेस दिए। हाफ मतलब उसने काट के हाफ नहीं दिए, उसने मतलब कुछ क्विंटल जो है उसने मतलब दे दिए। तो क्या वो जो क्विंटल जो उसने दिए ऑरेंजेस दिए, क्या वो भी इनकम एग्रीकल्चर इनकम माना? जी हाँ, क्योंकि मैं तो कुछ खाऊंगा उसको बेचूंगा तो मेरे एग्रीकल्चर इनकम है जी। तो चाहे वो कैश में हो चाहे वो इन काइंड हो, ठीक है, बट वो किसके लिए आ रही है? एग्रीकल्चर लैंड से आ रही है, विच इज बेसिकली यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज ओनली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज रेंट फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। आपने नाम अच्छे सुना होगा, फार्म हाउस। जी हाँ सर, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्या होता है फार्म हाउस सर? वही ना जहाँ पर शादी वगैरह होती है, हमने बहुत शादी अटेंड करी है, बहुत बड़े होती हैं, मतलब ग्रीनरी होती है,
और गर्मी में लगती हैं हाथों, तो बहुत बड़ा लगता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैंने लिखा है रेंट फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। पहले आपको फार्म का मतलब पता होना चाहिए, पर फार्म है किसकी बात कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए। देखिए फार्म बिल्डिंग होती क्या बेसिकली, ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक फार्म हाउस है, ठीक है, और इसके चारों तरफ जो है एक जमीन है, ठीक है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर इनकम हो रही है, यहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है, कल्टीवेशन हो रहा है, यानी कि एक फार्म हाउस होना चाहिए जो कि एक जमीन से जुड़ा होना चाहिए। लेकिन उससे किसी जमीन से जो ओवर से जुड़ा है, हवा में तो होगा नहीं, लेकिन कौन सी जमीन होनी चाहिए, वो जमीन जो कि एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रही हो, किसके लिए, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रही हो, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक और बात बोली हुई है कि ये जो फार्म हाउस है ना, ये भी एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होना चाहिए, सिर्फ जमीन ही नहीं, फार्म हाउस भी जो है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इस खेती में मान लीजिए मिर्च मिर्च उगा रहे हैं, ठीक है, थीके? तो उस मिर्च को देखिए सुखाना पड़ता है, ठीक है, पाउडर बनाना पड़ता है, तो उसका सारा जो सुखाने का या प्रोसेस का काम कहाँ पर हो रहा है, वो फार्म हाउस में हो रहा है, तो किसके लिए यूज हो रहा है, वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे फार्म हाउस। तो यहाँ पर देखिए तीन पॉइंट कवर हो रहे हैं, दैट दी फार्म बिल्डिंग शुड बी कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर लैंड एंड दैट लैंड शुड ओनली बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, ठीक है, दो पॉइंट हो गए। एंड थर्ड पॉइंट इज लैंड मस्ट बी लोकेटेड इन रूरल एरिया। ध्यान से सुनिए, रेंट फ्रॉम फार्म बिल्डिंग अगर आ रहा है तो उसके देखिए तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन होगी तो एग्जेम्प्ट अदरवाइज टैक्सेबल। क्या बोला, देखिए, इट शुड बी इमीडिएट विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चर। विसिनिटी मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मतलब दैट लैंड शुड बी दैट फार्म बिल्डिंग मस्ट बी कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर लैंड, या फिर मान लीजिए इसको एक नाम देते हैं, लाइक मान लीजिए नेबरहुड, ठीक है, नेबरहुड ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, फर्स्ट कंडीशन आप ध्यान से सुन लीजिए। और इट शुड बी, इट का मतलब यहाँ पे कहें, यहाँ पर फार्म बिल्डिंग शुड बी इमीडिएटली नेबरहुड नेबरहुड ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, एंड दैट एग्रीकल्चर लैंड शुड बी यूज्ड फॉर ओनली एग्रीकल्चर पर्पस। ये बहुत ध्यान से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड थर्ड पॉइंट इज लैंड ऑन विच फार्म बिल्डिंग इज सिचुएटेड मस्ट बी इधर असेस टू लैंड रेवेन्यू और लोकेटेड इन रूरल एरिया। पता है जैसे कि क्या बोला मैं, कि लैंड जहाँ पर वो जमीन है, वो जमीन जो है जिस पे फार्म बिल्डिंग अटैच है, वो रूरल एरिया में होना चाहिए तो एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर वो अर्बन एरिया हो, तो अगर वो अर्बन एरिया है तो एसएससी उस पे जो लैंड रेवेन्यू दी है, सर लैंड रेवेन्यू मतलब देखिए जैसे उसको बोलते हैं हम लगान, मतलब दुगनी लगान, मतलब सरकार क्या करती है, जैसे मान लीजिए कोई अगर म्यूनसिपल एरिया में अगर वो एरिया कवर होता है, तो सरकार जो है उस अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पे क्या करती है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करती है एनुअली। अगर वो एसएससी पे कर रहा है, ठीक है, और उस पर कोई फार्म बिल्डिंग जो अटैच है, और फार्म बिल्डिंग जो है वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, तो वो एग्जम्प्ट होगा। अदरवाइज अगर वो लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर रहा तो टैक्सेबल हो जाएगा जो भी रेंट आ रहा है उससे, ठीक है। तो ये था आपका एग्रीकल्चर इनकम, ख़त्म तो अभी भी नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि सब समझ गए तो मेरा एक जवाब दे दीजिए मेरे सवाल का। मान लीजिए किसी असेस कोई असेसी है, वो उसकी वो क्या करता है बेसिकली, वो मान लीजिए पंजाब से ट्रक भर भर के पौधे लेके आता है, और उसको जो अपनी नर्सरी में रखता है, और फिर उन प्लांट्स को वो बेच देता है,
तो क्या जो इनकम आई है, दैट इज इनकम फ्रॉम नर्सरी, क्या वो एग्रीकल्चर इनकम होगी? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर कोई एसएससी अपने नर्सरी में प्लांट कहीं और से लाके, मान लीजिए गांव से लाके उसको शहर में बेच देता है, तो जो उसने प्लांट बेचा क्या वो एग्रीकल्चर इनकम होगी? अगर आप बोलो सर ये एग्रीकल्चर इनकम है, तो मैं आपको बता दूं कि 1957 में इस पे सुप्रीम कोर्ट का जज यह है कि ये बिजनेस इनकम है, यानी कि बिजनेस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं यहाँ पर कि अगर आप छोटे छोटे पौधे या फिर कोई भी प्लांट्स हो गए, सैपलिंग्स वगैरह, अगर आप गांव से लाते हो उसको शहर में आके सब आपने बेचा, तो वो तो आपकी बिजनेस इनकम हुई, तो यहाँ पर तो आप इसको एग्रीकल्चर इनकम बोल नहीं सकते। लेकिन लेकिन 2000 इन 2000 ईयर में, 2000 साल में एक एसएससी ने फिर से कोर्ट में इस पे एक अपील करी कि इस जजमेंट को आप फिर से देखो, क्योंकि उस एसएससी को लगता है कि ये एग्रीकल्चर इनकम है। और ये जो था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चला गया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता कि भी ये तो हमारे पिताजी ने पहले ही डिसीजन ले लिया, पिताजी मतलब सुप्रीम कोर्ट, तो वो तो पिताजी जो कहते हैं वो तो पत्थर की लग रही थी, उसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो इस पर तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। तो उस पे उन महाशय ने बोला कि ठीक है मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो लेकिन फिर भी कुछ सुनवाई तो हो सकती है। कोर्ट ने बोला ठीक है बोलो क्या बोलना चाहते हो। तो महाशय बोलते हैं कि मान लीजिए कि देखिए कि मान लीजिए मैं, मेरी नर्सरी है और मान लीजिए मैं पंजाब से लेकर आता हूँ, मतलब मैं किसी और से पंजाब, मतलब मैं किसी किसान से वो पौधे खरीद लेता हूँ और ट्रक में भर के लाता हूँ, और मान लीजिए ट्रक में मैंने जैसे ही मैंने अनलोड किए और मैंने हाथों हाथ भेज दिए, तो चलिए ये तो बिजनेस इनकम होना चाहिए। हाँ तो वही बात हुई है कि भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। हाँ लेकिन ठहरिए, लेकिन मैं बोलना ही चाह रहा हूँ वो सुनिए। मान लीजिए मैंने वो प्लांट किसी किसान से खरीदे, मैंने अनलोड किया अपनी नर्सरी में, तो नर्सरी में मैं उसके कुछ मेंटेनेंस भी करूँगा, उस पर खाद भी डालूंगा, पानी भी डालूंगा, सीड्स भी डालूंगा, प्लांट ग्रो करूँगा, तो ये तो कल्टीवेशन हुई। तो हाई कोर्ट बोलते हैं हाँ बात तो सही कह रहे हो। अच्छा तो महाशय ने एक और बात बोल दी कि भी जरूरी थोड़ी ना कि भी मैं ट्रक से अनलोड करूँगा, हाथों हाथ सारे बिक जाएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है तो मैंने तो उस पर नर्सरी में मैंने अपने प्लांट्स खुद ग्रो भी कर सकता हूँ। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपने ऊपर जितनी बात बोली, यहाँ पर आप हमने जहाँ में पढ़ा ये देखिए सब कुछ, सारी इनकम जो वो लैंड से, मतलब लैंड से जुड़ी हुई है, लेकिन वो तो अपनी नर्सरी में सो ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो क्या वो तो एग्रीकल्चर इनकम होने चाहिए। तो अब हाई कोर्ट इस पे हाँ भी जो है वो फंस गए कि भी हाँ बात तो आप सही कह रहे हो, क्योंकि भाई कोई भी प्लांट जरूरी हो ना कि वो हाथों हाथ बिक जाए, और उस पे तो मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो अब हाई कोर्ट इस पे फंस गए कि भी क्या करें। तब क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने, तो देखो होता क्या है कि हाई कोर्ट ना जल्दी से कोई भी फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का ओवर रूल नहीं कर सकता, क्योंकि इससे ना सुप्रीम कोर्ट की जो इज्जत है ना वो बचा के रखनी पड़ती है। तो इसका ऑर्डर आने से पहले ही लॉ मेकर ने अपने इनकम टैक्स में कुछ चेंजेस कर दिए, चेंजेस नहीं करे अपने कुछ पॉइंट जो है एड ऑन कर दिए, तो इसमें एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी। क्या बोला देखिए, क्या बोला इसमें एक्सप्लेनेशन, एक्सप्रेशन 3.2.2.1a प्रोवाइड्स दैट द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सैपलिंग्स और सीडिंग्स ग्रोज इन नर्सरी वुड बी डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम वेदर और नॉट द बेसिक ऑपरेशन वर कैरिड आउट ऑनलाइन। अब इस एक्सप्रेशन के बाद तो मतलब अब सुप्रीम कोर्ट बोलते कि अब तो लॉ ही चेंज हो गया, तब तो आप माने सोते कह रहे तो लोग दिक्कत ही है, तो इससे क्या वो सुप्रीम कोर्ट की इज्जत भी बन गई, बच गई, बची रह गई, और जो बात सही थी वो भी होगी। तो देखिए इसमें
काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट आया कि भी एक एक्सप्लेनेशन देना पड़ा लॉ मेकर को कि हाँ बात सही है, क्योंकि इस पर कोई साबित नहीं कर सकता कि भी जो छोटे छोटे सैपलिंग्स हैं वो हाथों हाथ बिक गए हों। तो उस पर साफ साफ बोलते हैं कि नर्सरी से जो भी इनकम होगी ना, चाहे वो कोई भी इनकम हो, वो एग्जेम्प्टी मानी जाएगी। मीन्स पहले उसको एग्रीकल्चर इनकम माना गया और फिर उसको एग्जेम्प्ट कर दिया, क्योंकि देखिए रेवेन्यू नेचर के कैपिटल नेचर है ही नहीं है, ज़मीन तो बेचे नहीं, आप पौधे ही बेचे हैं, सैपलिंग्स बेचे हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो वो इनकम फ्रॉम नर्सरी इनकम विल बी टोटली एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो ये था आपका एग्रीकल्चर इनकम। फिनिश तो देखिए अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि होता क्या है कि जब आप जब GST बढ़ोगे, कल इन द सेंस ये नहीं कि आप मतलब अभी अपकमिंग डेज में बढ़ोगे, कल इन द सेंस कभी इन फ्यूचर में कभी तो बढ़ोगे GST इनडायरेक्ट टैक्स। तो वहाँ पर जब एग्रीकल्चर इनकम पढ़ाते हैं तो बच्चे जो है थोड़ा फंस जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि सर आपने तो वहाँ पर बताया ही नहीं है कि भी अगर कोई नॉन एग्रीकल्चर इनकम हुई क्या वो इनकम टैक्स में है, टैक्सेबल है या नहीं है। तो देखिए नॉन एग्रीकल्चर इनकम तो इनकम टैक्स में टैक्सेबल ही नहीं है, लेकिन वो GST में जाकर टैक्सेबल हो जाता है, क्योंकि वो PGB इनकम बन जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। ध्यान से देखिए नॉन एग्रीकल्चर मतलब क्या रहे हैं, जैसे मान लीजिए इनकम फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, पशुपालन हो रहे हैं, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग, इनकम फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ फिशरीज, इनकम फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, ठीक है। तो ये सारी क्या है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। तो सर क्या लोग इस पर टैक्स देते हैं? देखिए टैक्स तो देते ही नहीं है, मतलब सर आप बोल रहे हो कि GST में इसको PGB मानते हैं, इनकम टैक्स में इसको माना ही नहीं गया। इनकम टैक्स में क्यों नहीं माना गया? देखिए इनकम टैक्स में तो उसको माना ही नहीं गया। एक्चुअली होता क्या है, दीज इनकम बेसिकली रन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है, और आपने जैसे बोल देखा होगा, आपने जैसे मधुर वो दूध का पैकेट देखा होगा, अमूल का हो गया, मदर डेयरी का हो गया, तो आपने पैकेट में देखे ना, वो सब वहाँ पर क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनको रन बनाती हैं, ठीक है। तो इस पे इनकम जो होती है वो फुल्ली जो है वो मतलब इस पे जो इनकम गुड सरकार ने टैक्स नहीं दी सर, मतलब ये है कि अंडर सेक्शन 80P जो गवर्नमेंट इसको पे जो डिडक्शन देती है सर, कितने डिडक्शन मत पूछो, हैरान रह जाओगे आप, 100% डिडक्शन सर, 80P सर। आपने तो पढ़ाया नहीं है, आपने तो 80C से लेकर 80U तो पढ़ाया है, लेकिन उसमें 80P तो हमने कहीं पढ़ा, पढ़ा देता तो समझ आता है आपको, ये चैप्टर ये डिडक्शन है ही आपके एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड, ठीक है। तो 80P में हिसाब से बोला गया है कि अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर इस टाइप की कोई भी इनकम अराइज हो रही है तो उस पर जो 100% डिडक्शन है, चाहे वो करोड़ों भी ना कमा रहे हो, 100% मीन्स 100%, ठीक है। लेकिन यही इनकम जो है आगे जाके यानी कि GST में जाके ये टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। अभी आवाज सबसे ये समझ लो कि ये GST में जाके टैक्स हो जाता है, लेकिन इनकम टैक्स में यही चीज़ें वो 100% डिडक्शन लाती है, इसलिए इसके पे कोई इनकम नहीं बनती, ठीक है। तो ये था आपका एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं। सर कैलकुलेट करते हैं मतलब, अभी तो आपने बोला एग्जेम्प्ट होती है तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, टैक्सेबल तो फिर भी होगा, ठीक है। तो उसका कुछ प्रैक्टिकल जो परसेंट जो कि एग्जामिनेशन कमेटी से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस होल कंसेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, बिकॉज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्रीकल्चर इनकम नहीं समझाऊंगा, मैं डायरेक्टली जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आऊंगा, ठीक है। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंड प्लीज कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।